सुदामा जी महाराज। ये नाम सब परिचित हो आप, सुदामा कोई नया नाम नहीं है। और कहते हैं सुखदेव जी कि इस दुनिया में सबसे बड़ा धनाढ्य धनवान कोई व्यक्ति हुआ तो वो सुदामा। बोले वो कैसे, हमने तो सुना सुदामा के पास खाने को रोटी भी नहीं थी। बोले बात सही है, खाने को एक अन्न का दाना नहीं था सुदामा के पास, लेकिन सुदामा के पास इतना बड़ा धन था जो किसी के पास नहीं होता, और वो है संतोष रूपी धन। सब धन मिल जाते हैं लोगों को, पर संतोष नहीं मिलता। सुदामा के पास वो संतोष रूपी धन था, इसलिए सुदामा दुनिया का सबसे अमीर आदमी। हर रोज भूखे रहने के बाद भी भगवान को हाथ जोड़ करके कहते, प्रभु तेरा धन्यवाद। जीवन में ना दो शब्द कभी नहीं भूलने चाहिए इंसान को, और ये दो शब्द आपको बहुत ताकत देंगे। दो शब्द कौन से? हरि कृपा और दूसरी हरि इच्छा। ये दो शब्दों में जीवन चलना चाहिए। हरि कृपा क्या और हरि इच्छा क्या है? जब जो तुम चाह रहे हो वो मिल गया तो कहो हरि कृपा, और दूसरा जब जो तुम चाह रहे हो वो नहीं मिल रहा है तो कहो हरि इच्छा। और हरि इच्छा कभी गलत नहीं हो सकती, हमें लग सकता है गलत पर गलत नहीं हो सकती। हरि की इच्छा हमसे, वो हमसे बेहतर समझता है। लोग कहते हैं अरे दिल की बात भगवान को नहीं बताएं तो किसको बताएं, किससे मांगे? अरे जो तुम्हारे खुद ही दिल में बैठा उसको तुमको क्या दिल की बात बतानी पड़ेगी? जो घट में बैठा उसको क्या घट की बात बतानी पड़ेगी? उसे सब पता है, उसे कोई बताने की जरूरत नहीं। उससे ये कहो जो तुझे अच्छा लगता वो कर, मेरे लिए जो तुझे भला लगता वो कर। भले मुझे वो समय बच्चे को दवाई कड़वी लगती है, लेकिन वही रोग ठीक करती है। इसलिए हरि इच्छा तेरी जो इच्छा। सुदामा जी महाराज हरि इच्छा से जीते थे, कुछ नहीं घर परिवार में, लेकिन सुदामा के मुंह से कभी भी ये शब्द नहीं हटा। जब भी कोई पूछता कैसे हो भैया, हरि कृपा, बहुत कृपा है भगवान की।